नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। घटना गुरुवार 11 जनवरी की बताई जा रही है। भाजपा ने हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। पार्टी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? ममता बनर्जी घटना पर चुप क्यों हैं? उन्हें शर्मानी चाहिए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री ने कहा कि इन लोगों पर बच्चे अगवा करने का आरोप था, इसलिए लोगों ने पीटा। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। गोरांगडी के पास इन लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से कुछ गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भागी। बनर्जी ने आगे बताया, इसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। पुलिस ने साधुओं को भीड़ से बचाया और उनकी शिकायत पर FIR दर्ज की है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।